साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे कि आप लोग गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था बनाई है, सिस्टम बनाया। पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम बनाया, किस तरह से बाहर के जो बंदे फंसे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान उनको इंडिया लाया जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों कि कौन से बंदों की पैसे लगेंगे, कितना लगेगा या नहीं लगेगा, टिकट से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो भाई गवर्नमेंट ने कुछ बातें अपने तरीके से सोचा उन्होंने कि भाई उनको लाया कैसे जाए। आपको पता है भाई संख्या तो लाखों में पहुंचेगी, नो डाउट, लाख से तो लाख दो लाख के बंदे कितने आएंगे, नो आइडिया, खर्चा कितना बैठता है आप सोचिए यार। फिर भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भाई देखिए इंडिया गवर्नमेंट की जितनी हो सकती है उतनी हेल्प वो अपने इंडियन लोगों की करना चाहती है। अब लोग तो पता नहीं गुस्से में आके क्या क्या लिख देते हैं, कमेंट करते रहते हैं, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट सबकी सोचती है। हम गवर्नमेंट का सोचें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट हम सबकी सोचती है। और सोचने के कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि गवर्नमेंट ने तीन डिवाइडेशन किए हैं इसमें कि आपको किस तरह से किस बेस पे लाया जाएगा। हवाई जहाज़ की बात करें साथियों, विशाखापट्टनम सबसे बड़ा, आपको पता है एयरफोर्स में नेवी में वही है सबसे बड़ा गढ़, वहाँ सब विशाखापट्टनम में हवाई जहाज़ बिल्कुल स्टैंड बाय पे खड़ा है, ठीक है। और जैसे ही उनको आदेश मिलेगा वहाँ से रवानगी ले लेगा, चार दिन पाँच दिन के अंदर वो यूएई दुबई मान लो या फिर जो भी आपके गल्फ की कंट्रीज हैं उनके तट पे पाँच दिन में पहुँच जाएगा और 3 मई तक लॉकडाउन ओपन हो जाएगा। यानी ये 3-4 दिन के अंदर गवर्नमेंट पूरा प्रोसेस डाटा के हिसाब से तैयार करके और उसी दौरान एयरपोर्ट वहाँ पहुँचेगा, फिर वहाँ से रिकवरी करना स्टार्ट कर देगा, चाहे हवाई जहाज से, चाहे एयर इंडिया से या वायुसेना से, कैसे भी करें। 650 एरोप्लेन हवाई जहाज वगैरह सब तैयार हैं, स्टैंड बाय पे खड़े हैं, गवर्नमेंट जैसे ही आदेश देगी तुरंत एक्शन में आ जाएंगे वो। देखिए किराए की बात करें, पहले बहुत सारे वीडियो बने हैं, मैंने भी बताया था कि भाई अगर आपको आप अपने स्तर पे आती है, भाई गवर्नमेंट बोल देती है लॉकडाउन ओपन हो चुका है, फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी, तो फ्लाइट तो अपने हिसाब से जाएगी, सब प्राइवेट फ्लाइट हैं तो भाई वो तो पैसा लेती हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग रखोगे, जिस कैपेसिटी 200 की है प्लेन की वो 100 ही लेके आएगी, तो किराया तो 200 का ही वसूल करेगी ना वो, तो कह रहा किराया उस हिसाब से महंगा पड़ता है, यानी 20-30-40 हज़ार तक की टिकट जाने की पूरी संभावना थी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये अपने स्तर पर अपने पास रखा है ये मैटर, आप जितने भी लोग फंसे हुए हो आपको गवर्नमेंट अपने स्तर पर बुलाएगी, उसमें दूसरों की इजाज़त हेल्प नहीं ले रही है गवर्नमेंट, समझ गए। तो ये खर्चा भी फिर अपने स्तर पे ही वो बांटेगी, करेगी, जो भी कमबत्ती होगा वो करेगी। इसमें गवर्नमेंट ने तीन डिवाइडेशन किए हैं भाई, मैं बता दूं। फर्स्ट डिवाइडेशन में उनको बिल्कुल फ्री लाया जाएगा, कौन है वो मैं बता दूं, बूढ़े बुजुर्ग, ठीक है, महिलाएं, बच्चे, बीमार, ठीक है, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट ने इसमें ऐड नहीं किया, मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, जो एक्सपायर हो चुके हैं 1.5 महीने के दौरान, बहुत सारे इंडियंस बाहर थे कुछ बीमारी की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से, इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल सरकारी खर्चे पे इनको इंडिया लाया जाएगा। दूसरी प्राथमिकता में किनको मैं बता दूं आपको, उनको रियायत दर पे लाया जाएगा। यानी रियायत का मतलब क्या होता है, मान लीजिए टिकट का 20 हज़ार का खर्चा लग रहा है तो इनसे खर्चा आधा लेगी गवर्नमेंट, यानी 10 हज़ार का मान लीजिए 5 मान लीजिए, 20 का आधा मान लीजिए, रियायती दर पे गवर्नमेंट इनको लेके आएगी। उनमें कौन हो सकते हैं, जैसे लॉकडाउन में आप घूमने गए थे, आप फंस गए, आपको वापस आना है, आप टूरिस्ट हो, ठीक है, आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, आपको कंपनी ने निकाल दिया, आप जॉबलेस हो, ऐसे बंदों को जिनमें छात्र वगैरह हो गए, जो एजुकेशन गए थे या जो पढ़ाई के साथ वहाँ पे जॉब कर रहे थे, इस तरह के जो बंदे हैं इनको रियायती दर पे गवर्नमेंट अपने स्तर पे खर्चा करके लेके आएगी। जैसे 20 हज़ार लग रहा है तो इनका 10-12 हज़ार में काम हो जाएगा, इंडिया पहुँच जाएंगे। तीसरे नंबर पे साथियों बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं जिनको जिनसे भी गवर्नमेंट पूरा पैसा नहीं लेगी। जैसे टिकट तो भाई बहुत महंगी है, मैंने आपको पहले वीडियो भी इंडे डाले थे, 40-40 हज़ार की दुबई की टिकट शो कर रही है, लेकिन नहीं, रियायती दर पे जो टिकट होती है, नॉर्मल दर पे, जो सामान्य दिनों पर अपन चलते हैं ना, जैसे आप पहले गए थे दुबई 10-12 हज़ार में पहुँच गए, वही टिकट के हिसाब से गवर्नमेंट आपसे पैसा लेगी। जिसमें कौन हो सकता है, जैसे आपको ये लग रहा है अभी इंडिया चलना है, आपको छुट्टी आ रहे हो, आप वीज़ा कैंसिल करके आ रहे हो, आप अपनी मर्ज़ी से आ रहे हो, आपका इंडिया में कोई काम नहीं है लेकिन आप आ रहे हो, ऐसे लोगों से गवर्नमेंट रियायती दर यानी सामान्य जो पैसा लग रहा है सामान्य कैटेगरी का, अभी तो चल रहा है हाई कैटेगरी क्योंकि लॉकडाउन में पता है हर चीज़ महंगी मिलती है भाई, लेकिन गवर्नमेंट अगर आपको बुला रही है, गवर्नमेंट के थ्रू आप आ रहे हो, तो आपको नॉर्मल दर में आना होगा, गवर्नमेंट नॉर्मली आपको पैसे में लेके आएगी। जैसे नॉर्मल में 10-15 हज़ार की टिकट आती है, वैसे 40 हज़ार नेट पे शो कर रही है, उस हिसाब से आपका नॉर्मली पैसे में आप इंडिया
आप पहुंच जाओगे। तो साथियों मैंने तीनों कैटेगरी आपको बता दी कि किस तरह से कितना खर्चा लगने वाला है, इसमें आपको कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लाइट्स वगैरह भाई ऑनलाइन बुक मत करवा लेना, बुक करवाओगे तो आपका पैसा वेस्ट होगा या एंड होगा, वो कब रिफंड होगा उसका कोई आइडिया नहीं है। ये गवर्नमेंट अपने स्तर पर आपको व्यवस्था करके लाएगी, जो अभी आगे वीडियो में हम बात करेंगे। ऑनलाइन जो फॉर्म है वो मैं आपको लिंक भी डालूंगा, आपको भरना भी बताऊँगा और आपको सबमिट कहाँ करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो शाम को 7 बजे वो पब्लिश हो जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।